आपका आचूर्यम स्वागत सो आचूर्यम लेकर उसका टाइटल है सुनील ग्रोवर एंड कृष्णाज हिलेरियस एसआरके सलमान मिमिक्री फीचर्स कार्तिक आर्यन। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस चैनल का विजुअल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओह माय गॉड शाहरुख खान जवान नहीं नहीं सॉरी पठान हाँ गाना वही वाला था जवान आज स्टेज के ऊपर कार्तिक की मम्मी है, लग रही है। हाँ। हमारी मम्मी है सामने इजिप्ट की मम्मी है पक्का है भाई आज हम ग्रेट इंडियन मम्मी शो में आ गए। इनकी फैमिली से जितने भी लोग आए हैं उन सबको नमस्कार यार। सत श्री अकाल। वो कह रहे हैं क्या नाम था शो का गेम शो बिग बॉस। हाँ बिग बॉस फेस एक्सप्रेशन सही है बॉडी लैंग्वेज केड़ो हाल है केड़ो हाल है केड़ो हाल है केड़ो हाल हां वनकम हां वनकम वनकम वो डिफरेंट भाषाओं में बस हो गया बस हो गया नमस्कार हो गया भाई नमस्कार हो गया नमस्कार हो गया कॉफी का इंतजार है 70 मिनट बिना रुके लगातार मेरा भाई नमस्ते बोल सकता है इसीलिए इसे रोकना पड़ता है। यार कृष्णा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। रुको 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 देख रुको देख रहे हैं ना आप मैंने कहा था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे वो आ गए धरती का सीना चीर के आए हैं। हर बार धरती का सीना चीर कराएंगे धरती का सीना चीर कराएंगे हम तुम्हारे बच्चे हैं या मूली के बच्चे हैं हम क्या मूली के बच्चे हैं जो रोज सुबह धरती का सीना चीर कर हम I don't like this shit, man. I don't. कभी चुना बिल्कुल जेड़े गड़े में। देख रहे हैं आप कैसे निकम्मे बच्चे हैं मेरे। इनसे मैंने कहा कि दुर्जन से बदला लेके आओ आज तक बदला नहीं ले गया। अरे बदला है या दही है जो रोज सुबह लेने जाएंगे। और ठीक। आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि डिग्री लेकर आओ तो आप इंजीनियर बन गए। ये रोज सुबह उठ के हमें कहती है दुर्जन से बदला लेके आओ इसीलिए हम गुंडे बन गए। कैसी किस्मत है मेरी सारी जिंदगी में धूप में लोगों के कपड़े सिलती रही ताकि इन्हें छांव मिले ये छांव में रहे बस। D3 की कमी हम में हो गई है समझे खुद का पूरा इसका तुम्हारी एक बात बताऊं तुम्हारी एक बात बताऊं क्या बता रहा है मैं इसकी बात बताना चाहता हूँ
ये पता है आंटी बचपन में पैसे बचाने के लिए क्या करती थी? क्या करती थी? हम दोनों को ये कपिल मेले में छोड़ाती थी। अच्छा। और कहती थी जलेबी की दुकान के सामने खड़े होकर रोते रहना कि मेरी माँ खो गई है, मेरी माँ खो गई है, कोई ना कोई तुम्हें जलेबी खिला के चला जाएगा। और फिर मैं आधे घंटे बाद आऊंगी, आधे घंटे तक तुम कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? मैं भी बेटा फिर मैं भी जाके भटूरे वाले के सामने रोती थी कि मेरे बच्चे खो गए हैं तो कोई ना कोई मुझे भटूरा खिला जाएगा। I don't like this shit, man. इनमें से कितने प्रतिशत लोग सोचते हैं कि उनकी मम्मियाँ भी ऐसे करती हैं? I don't like this. Don't trouble your mother. Trouble my mother. ऐ सब छो, सीखो जरा का हट हट हट। क्या गिर गया अभी? बेटा तू लीक कर रहा है बेटा। कार किससे सीखो बेटा? अपनी माँ को कार गिफ्ट की है इसने, और मैं इनसे कहती हूँ जाके लाला से मेरे सोने के कंगन ले आओ, पीतल के कंगन लेकर आइए। हाँ तो कम से कम हमने तुम्हें पीतल के कंगन दिए, उन्होंने तो अपनी मम्मी को कॉपर की कार दी है, वो भी मिनी मिनी कॉपर। इतनी फ्रस्ट्रेशन में इतने कूल कैसे रहते हो तुम? कूल नहीं है सर, कूल नहीं हूं, ठंडा हूं। I don't like her. That's why. I don't like her. आप कैसे पूरा फैमिली मिलके अपने पेट का ख्याल रखते हैं? ये दोनों मिलके मेरे एक पेट का ख्याल नहीं रख पाते। तो माँ फर्क होता है, माँ फर्क होता है। किस चीज में? उनका पेट कठोरी है, तुम्हारा पेट पतीला है। ये मत खुलो बेटा, ये दोनों लोटे भी उसी पतीले से निकले हैं। और मैं कौन सा बहुत सारा खाने के लिए मांग रही हूँ, मुझे बस चखना होता है। चखने के साथ सोडा भी चाहिए होता है, अधिया चाहिए होता है। ये दोनों दोनों यूज करती है। I don't like this shit, man. Super! Karthik, ये औरत हमेशा कहती रही मेरे कंगन छुड़वा दो, मेरे कंगन छुड़वा दो, कभी ये नहीं कहा कि मेरी दारू छुड़वा दो। ओल्ड मॉम कहीं की। इधर आ, इधर आ, ए बेटा इधर आ, बोल। हाँ नहीं ठीक है, बोल ठीक है, ठीक है, बोल। कार्तिक से जरा सीख कुछ, कितने प्यार से कार्तिक ने। मेरे दोनों बेटे रायते की तरह फैलते क्यों जा रहे हैं? कार्तिक से सीखो, कार्तिक से सीखो, इसने किस तरह पाल पोस के अपने मम्मी पापा को डॉक्टर बनाया। कुछ करो, इसका कुछ करो, बोलो कुछ। मम्मी पापा को डॉक्टर नहीं बनाया,
मम्मी पापा ने इनको इंजीनियर बनाया। तो बेटा तुम दोनों ने मिलकर मुझे इंजीनियर क्यों नहीं बनाया? जो एक्सप्रेशन इतने अच्छे थे, आप फिर भूल भुलैया में सीरियसली बहुत बहुत एंटरटेनिंग था और मैं सब एक्टर्स की यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगी। Undoubtedly, Krishna अपने करेक्टर में बहुत अच्छे से मतलब वो उसको परफॉर्म कर रहे थे। और अगर मैं बात करूं सुनील ग्रोवर सर की हाँ, सुनील ग्रोवर सर की, यार मैं कहती हूँ क्या कमाल के एक्टर है। तुम्हें देखो डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज थी और उसमें भी वो कितने कमाल के थे। अच्छा वैसे सुनील ग्रोवर को तो देखकर ऐसे लगा था जैसे बॉडी जो है वो 90s के सलमान खान की और फेस जो है ना वो आज के सलमान खान के। और जो है ना वो कृष्णा को देखकर लग रहा था कि ये वाले शाहरुख खान ने आलू ज्यादा खाए हुए। लेकिन ये टॉल है ना काफी और ऑब्वियसली शाहरुख खान सर स्लिम है इनसे। बट मैं कहूंगी दोनों ने क्या कमाल की एक्टिंग की है। और करण अर्जुन को जिस तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया ऑन सेट, मुझे लगता है बहुत कम परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं जिसमें ना आप हंस हंस के पागल हो जाते हो, मतलब लोटपोट हो जाते हो, और ये उन परफॉर्मेंसेस में से एक थी। लेकिन सुनील ग्रोवर सर की मैं यहाँ पर भर भर के तारीफ करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। गुत्थी के कैरेक्टर से मुझे सबसे ज्यादा मजा, डॉक्टर गुलाटी मुझे वो ज्यादा पसंद, नो डाउट डॉक्टर गुलाटी भी अच्छा था बट मुझे गुत्थी बहुत अच्छी लगती थी। वो सुलझती नहीं थी ना, हाँ सुलझती नहीं थी, अच्छा गुत्थी भी इसलिए हाँ। बट ये है कि पता है मैंने इनको किसी की भी मिमिक्री करते हुए देखा है ना सुनील ग्रोवर सर को, ये वाकई में उसी कैरेक्टर में ऐसे लगता है वो ही इंसान है। मतलब फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ वैसे ही वो मतलब पिक करते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो इतने फाइन एक्टर होते हैं। ये इसमें कोई शक नहीं, आप उनकी वेब सीरीज भी देखो ना तो एक्टिंग जो है वो काफी अच्छी करते हैं। कृष्णा ने कम मूवीज की हैं लेकिन उनकी मूवीज जो है ना वो अच्छी होती है। यानी कि साइड रोल ज्यादा मिलते हैं, स्पोर्टिंग कैरेक्टर उन्हें ज्यादा मिलते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसकी बात करते हैं भाई, राखी गुलजार जो बनी हुई हैं वो तो यानी कि करण अर्जुन की जो माँ बनी हुई है वो फिल्म में राखी गुलजार जी ने जो है वो रोल प्ले किया है। तो भाई उनके ऊपर जो जोक क्रैक्स हो रहे थे और जो है वो जिस तरह अपनी माँ को कह रहे थे आपका पेट नहीं पूरा जो है पतीला है, तो भाई वाकई में जो है ना नो डाउट पहले रिहर्सल्स हुई होगी सारा कुछ हुआ होगा, लेकिन ऑन स्टेज जाके परफॉर्म करना इतनी ऑडियंस के सामने, गेस्ट के सामने, उन्हें हंसाना, फिर बगैर बोले कुछ हंसाना, और फिर वो स्टेप जो है वो अपने याद रखना कहाँ पे कौन सा स्टेप जो है वो मारते हुए जो है वो जाना है, मारते हुए जाना है, स्टेप मारते ही हैं और क्या करते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग पंजाबी में मार देते हैं स्टेप, तो वो करते हुए जाना। तो मेरा ख्याल है कि भाई वैसे ना सही बात है, बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए ऑन स्टेज। तो भाई आपको वाकई में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि आप अपने करेक्टर को पकड़ के रखो, क्योंकि जब आप मिमिक्री स्पेशली कर रहे होते हैं उसमें तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको एक तरह से कॉन्शियस रहना पड़ता है कि कहीं कुछ इधर उधर ना चला जाए एक भी एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज, चाहे जितनी मर्जी मर्दवारी रिहर्सल करो, बट जिस दिन स्टेज पर मुझे लगता है परफॉर्म करना होता ना वो एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है। वाकई में आप जो है ना खासकर स्टेज शोज जितने भी होते हैं बेशक वो ये इसे आप देख लें या आप जो है वैसे जो लोग जो थिएटर देखने का बड़ा शौक रखते हैं, तो भाई वो वाकई इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि भाई ये चीज करना आसान, मुझे लगता है थिएटर बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमेशा लाइव ऑडियंस के सामने आपको परफॉर्म करना है तो उसमें तो मार्जिन भी नहीं है कि भाई आपसे गलती हो गई तो आप उसको रीटेक ले लोगे, आपको उसी सिचुएशन को हैंडल करना होता है।
यार। और जिस तरीके से सुनील ग्रोवर सर मतलब हंस रहे थे, लाइक जैसे ही सलमान खान सर को हम लोग बिग बॉस पे देखते हैं, मतलब आज जो हमने देखा उनका पूरा करेक्टर वो बिग बॉस वाला था कि बिग बॉस में वो जिस तरीके से एक्ट करते हैं, फिर सीढ़ियों से उतर कर जिस तरीके से वो आए और वहां पर वो बैठ कर देखने लगे, जैसे हम देखते हैं कि घर में जब डिस्कशन चलती है वीकेंड के वॉर में तो उसमें इस तरीके से वो बैठते हैं और अपने यू नो जो भी उनको मतलब गुस्सा आता है जिस तरीके से वो बात करते हैं उस तरीके से बोले, बट कमाल का कमाल की परफॉर्मेंस। अच्छा वैसे सुनील ग्रोवर जो है वो तो बस ज्यादातर चक्कर लगा रहे थे या हंस रहे थे, डायलॉग्स उनके कम थे, लेकिन जो शाहरुख खान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ठीक है ना, वो ऊपर से तो पठान थे ठीक है ना, लेकिन अंदर से करण अर्जुनी थे। हाँ बट मैं ये बात कह रही थी, बिना बोले हंसाना एक बड़ी बात होती है, आपके पास डायलॉग्स नहीं है, आपको सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस के साथ हंसाना लोगों। और मैं कहूंगी कृष्णा ने जिस तरीके से आवाज भी इवन के निकाली वो इतनी ज्यादा मैच हो रही थी, तो मैं लग रहा था कि वो ऑलमोस्ट सेम साउंड कर रही है शाहरुख खान सर के साथ। तो भाई हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, क्योंकि ये इजी जॉब नहीं था, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा देखकर, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आपको किसका करेक्टर किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेस्ट लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ ही हम जाते हैं हमारे वीडियो चैनल करें।